हे विनर्स, कौन नहीं चाहता कि उसकी उम्र लंबी हो और बुढ़ापे में भी जवानी जैसी फीलिंग आए और हम जब तक जिएं स्वस्थ रहें, रोग मुक्त रहें। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा 6 ऐसे स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप एक स्वस्थ, निरोगी और लंबा जीवन जी सकते हैं और कई बीमारियों को अलविदा भी कह सकते हैं। आपको लॉन्जेविटी देने का, एंटी एजिंग इफेक्ट देने का, आपकी उम्र बढ़ाने का पूरा प्रयास मैं करता हूं। वीडियो को ध्यान से सुनने का, समझने का, पूरा फॉलो करने का प्रयास आप कर लेना। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले ही बता देता हूँ कि मेरे वीडियोस थोड़े से लेंथी, मतलब थोड़ी सी उनकी लेंथ ज्यादा होती है। उसका कारण यह है कि मैं उसको डीपली इलैबोरेट करके आपकी रूह तक, आपकी सोल तक पहुंचाना चाहता हूँ, आपके अंदर उनको उतारना चाहता हूँ। और जो वो लोग जो जिनको लगता है कि जी ज्यादा टाइम लग जाता है, थोड़ा फास्ट करके देख लो, अगर फिर भी वो लोग जिनको लगता है कि वीडियो लंबा होता है, तो मेरे दोस्त वीडियो लंबा है ना, तो जिंदगी भी लंबी कर रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात का। और हाँ, वीडियो में शेयर करूंगा जो लास्ट फैक्टर, वो सबसे ज्यादा इग्नोर्ड है, उस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपने। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जरूरत से कम खाना आपको एंटी एजिंग इफेक्ट दे सकता है, लॉन्जेविटी दे सकता है, जिसको कहा जाता है कैलोरी रिस्ट्रिक्शंस। और ऐसा बहुत सी स्टडीज मानती हैं कि रिड्यूस्ड कैलोरी इनटेक कैन एक्सटेंड योर लाइफ स्पैन। जापान में एक आइलैंड है ओकिनावा, जहां सबसे ज्यादा सेंटेनेरियंस होते हैं, यानी वो लोग जो हेल्दी हैं और उम्र 100 साल से ज्यादा है। उनके 100 साल तक स्वस्थ जीने का सबसे बड़ा राज है लोअर कैलोरी इनटेक विद अ डाइट रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मतलब ट्रेडिशनल ओकिनावन डाइट में कैलोरीज कम होती हैं पर न्यूट्रिएंट्स पूरे होते हैं। और इसके रिजल्ट ऐसा बताते हैं कि अगर हमने 2 साल तक अपने दिन की कैलोरीज में 25% तक रिडक्शन कर दिया, तो ये हमारे अंदर एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जिनको सेरोट्यून्स कहते हैं, उनके लेवल्स को बढ़ा देता है, जो हमारी उम्र को बढ़ाते हैं, एंटी एजिंग इफेक्ट्स देते हैं, इनफैक्ट डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स और रिपेयर का भी काम करते हैं और हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। और जो कैलोरी रिस्ट्रिक्शंस है ना, ये मेटाबॉलिक डिजीजेस जैसे type 2 diabetes और कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस के चांसेस को भी बहुत ज्यादा कम कर देता है, जिससे मेटाबॉलिक हेल्थ भी बेटर होती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इंप्रूव होती है। जिसका मतलब यह है कि बॉडी के सेल्स इंसुलिन को लेके ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल्स कम होते हैं और type 2 diabetes का रिस्क तो कम होता ही है। और कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करने से ऑटोफेजी भी स्टिमुलेट होती है, जिससे कि सेल्स ब्रेक डाउन होते हैं और उनका डैमेज्ड प्रोटीन रिमूव हो जाता है, जो सेल्स को हेल्दी करके उनकी लाइफ को बढ़ाता है, जिसका सीधा इंपैक्ट होता है इंप्रूव्ड सेल्युलर फंक्शंस एंड लॉन्जेविटी। एक और बेनिफिट होता है कैलोरी रिस्ट्रिक्शंस का, ये हमारे हॉर्मोन्स के लेवल को भी इफेक्ट करता है, बैलेंस करता है, इंक्लूडिंग ग्रोथ हॉर्मोन एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, IGF-1 बोलते हैं इसको। और अगर IGF-1 के लेवल रिड्यूस हो, तो ऐसा एक नहीं बल्कि सीरीज ऑफ स्टडीज बताती हैं कि यह न सिर्फ एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, बल्कि साथ ही ट्यूमर्स और कैंसर के रिस्क को भी रिड्यूस करता है और लाइफ स्पैन को अमेजिंगली बढ़ा सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि कैलोरी कम लेनी है, न्यूट्रिशन कम नहीं लेना। आप कौन सी वो चीजें हैं जिनसे कम खा करके भी आप पूरी कैलोरीज ले सकते हो? सीधा सा मतलब तो ये है कि आपको अपनी डाइट के अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ज्यादा शामिल करना है। आपको कम से कम दिन में 2 बार फ्रूट या वेजिटेबल जरूर लेने हैं। आपको कम से कम दिन में 1 बार सीड्स एंड नट्स जरूर ऐड करने हैं। और अगर आप छोटा सा काम करो कि सिर्फ वो चीजें जो ज्यादा तली हुई हैं, जो फ्राइड फूड है, जो पैकेज्ड फूड है, जो जंक फूड है, चीनी है, भर भर के कैलोरीज हैं, लेकिन कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू, कोई विटामिन, कोई मिनरल्स नहीं है, ऐसी चीजों को अगर आप कट डाउन कर देते हैं, तो भी आप अपने कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। और अगर कैलोरी रिस्ट्रिक्शन थोड़ा सा टिपिकल लगता है, तो सबसे इजी स्टेप है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो कि अमेजिंग चेंजेस ला सकता है आपकी लाइफ में, जिसको लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल में इलैबोरेट किया है। इस वीडियो को जरूर देखना ताकि आप कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की तरफ बढ़ सकें और अपने सेल्स को, अपने आप को एक लंबी उम्र की तरफ ले जा सकें, लॉन्जेविटी की तरफ ले जा सकें। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर लॉन्जेविटी, द लैंसेट में एक स्टडी पब्लिश हुई थी एज अ पार्ट ऑफ स्पेशल सीरीज ऑन एजिंग, जिसको UCL, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी एंड स्टोनी ब्रूक यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने कंडक्ट किया था, जिसमें हमारे यूडेमोनिक वेलबींग को देखा गया, जिसका मतलब था योर सेंस ऑफ पर्पज इन लाइफ। और इसी स्टडी में देखा गया कि जिन लोगों के पास लाइफ का कोई पर्पज था, लेटर एज में उनके स्वस्थ रहने और लंबा जीने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। और हमने पहले भी देखा है कि हैप्पीनेस इज एसोसिएटेड विद अ लोअर रिस्क ऑफ डेथ, या इक्वली बेनिफिट हमें हमारे माइंड को देती है वो स्टेट जिसमें हैप्पीनेस, लव और सेटिस्फैक्शन के हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि हमें मिलती है हॉबी से, पैशन से, इंटरेस्ट से,
तो अगर आपकी जिंदगी में कोई हॉबी, पैशन या इंटरेस्ट खत्म हो गया है, तो मेरे दोस्त, ये एक अलार्मिंग साइन है कि आपको इनको जरूर ढूंढना है। कई बार हमें वो समय नहीं मिलता, टाइम नहीं निकाल पाते या सिचुएशंस ऐसी नहीं होती, तो कोशिश करो कि अपने पैशन को ही अपना काम बना लो, या अगर नहीं बन सकता तो कुछ टाइम जरूर निकालो कि आप अपने पैशन को, जिसको करके आपको मोहब्बत की वाइब्रेशंस रिलीज हो, जिसको करके अंदर से एक सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आए, जिसको करने के रिजल्ट से कुछ नहीं मिलेगा बल्कि करने में ही आनंद आएगा, उस चीज को अपनी जिंदगी का एक पार्ट बनाइए। ढूंढिए वो क्या पैशन है, वो क्या पर्पस है, वो क्या हॉबी है छोटी सी। हो सकता है गिटार बजाना हो सकता है म्यूजिक सुनना हो सकता है लॉन्ग ड्राइव पर जाना हो सकता है गार्डनिंग करना हो सकता है कोई स्पोर्ट खेलना हो। अगर हमने इन सब में थोड़ा भी टाइम स्पेंड किया तो हमारी बॉडी और माइंड वो केमिकल्स रिलीज करते हैं जो हमको हीलिंग की स्टेट देते हैं, लॉन्जेविटी की स्टेट देते हैं। तो आफ्टर द एज ऑफ 35 ये जरूर ध्यान दो कि डू यू हैव एनी पर्पस इन लाइफ, या हॉबी, इंटरेस्ट, हैप्पीनेस या पैशन। औरों के लिए तो हम जीते ही हैं यार, अपने लिए भी जिंदगी जियो, नहीं तो अंदर से बूढ़े हो जाओगे जवानी में ही, याद रखना। नेक्स्ट, आपकी उम्र को बढ़ाने में, जवान बनाए रखने में सबसे बड़ा रोल है हमारी गहरी सांसों का। जी हाँ, और इसमें क्योंकि कोई पैसे नहीं लगते तो लगता है हाँ ये कैसे हो सकता है। एक स्टडी के बारे में भी बताता हूं जो कि पब्लिश हुई थी जर्नल ऑफ द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में, जिसमें पाया गया कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो भी हम करते हैं वो हमारे पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करके हमारे ब्लड प्रेशर को कम करती हैं और स्ट्रेस और हाइपरटेंशन को खत्म करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, और यही तो मेजर फैक्टर है आज हार्ट डिजीज का बहुत सारी। और अगर ये सब चीजें कम हुई तो न सिर्फ हमारा दिल स्वस्थ रहेगा बल्कि बॉडी में हाइपर ऑक्सीजनेटिव एनवायरमेंट होने से हमारे सेल्स हेल्दियर होंगे, उनकी उम्र बढ़ेगी, वो सेल्यूलर लेवल पर भी बॉडी को हेल्दी रखेंगे। एक और चीज, एज बढ़ने के साथ ना हमारी HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बढ़ने लगती है, जिसमें हमारी हार्ट रेट काफी फ्लक्चुएट करती है, कभी 60, कभी 65, कभी 70 बिना एक्टिविटी के। ये उसको भी काफी हद तक बैलेंस कर देती है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी अगर बैलेंस हुई तो समझो कि लेटर एज में हार्ट डिजीज होने के चांसेस काफी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। और एक स्टडी पब्लिश हुई थी जर्नल फ्रंटियर्स इन ह्यूमन न्यूरोसाइंसेज में, जिसमें ये रिपोर्ट किया गया कि इस डीप ब्रीदिंग से माइंड काफी हद तक स्टेबल हो जाता है, ब्रेन की फंक्शनिंग और कनेक्टिविटी बढ़ती है, जिस कारण लेटर एज में होने वाली डिजीजेस जैसे पार्किंसंस, अल्जाइमर, इन सबके होने के चांसेस को भी डीप ब्रीदिंग कम करती है, स्ट्रेस को रिड्यूस करती है, मूड को इम्प्रूव करती है, कॉग्निटिव फंक्शंस जो हमारे ब्रेन में होते हैं उनको इम्प्रूव करती है, जिसका रिजल्ट होता है हेल्दी ईयर्स का हमारी जिंदगी में एड ऑन होना। और अगर इस फ्री जैसी दिखने वाली डीप ब्रीदिंग से $1 million बेनिफिट्स आपको लेने हैं तो ये वीडियो एक मैंने बनाया था, इस वीडियो को पूरा भी आप देख सकते हैं इस वीडियो के खत्म होने के बाद, मैं एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और हाँ, जैसे कि मैंने बोला चीज फ्री है लेकिन $1 million बेनिफिट्स दे सकती है डीप डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग, करोगे? नेक्स्ट। तो जी, अगर उम्र बढ़ानी है तो रेस्टिंग हार्ट रेट शुड बी लो। कई स्टडीज ऐसा बताती हैं कि जितना रेस्टिंग हार्ट रेट अपनी रेंज में लोअर रहेगी उतना कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी बढ़ेगी, जो कि डायरेक्ट इंपैक्ट डालती है हमारी लॉन्जेविटी को, उसको बढ़ाती है। आज जब हम कोई भी खास फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, रिलैक्स मोड में होते हैं, तब ये हार्ट रेट होनी चाहिए 60-64 के बीच में। और अगर ये अराउंड 60 रही तो हमारे जो हार्ट के मसल्स हैं उनकी कंडीशन बेहतर बनी रहती है और हार्ट सही अमाउंट में ब्लड को पंप कर पाता है, वो भी कम बीट्स के साथ, जिसे कहते हैं बैलेंस्ड इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी ऑफ हार्ट, जिससे ओवर टाइम हार्ट में जो वियर एंड टियर होता है वो रिड्यूस होता है और हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर के चांसेस बहुत कम कर देता है, जो कि ऑब्वियसली लॉन्जेविटी को भी बढ़ाता है। अब जनरली ये हमारी हार्ट बीट 60 के आसपास रहनी चाहिए होती है, पर जो एथलीट्स होते हैं जो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनमें ये 50 से 55 के आसपास होती है। तो अब क्या करें कि हमारी रेस्टिंग हार्ट रेट बैलेंस हो, सही उसमें रहे? उसके लिए सबसे पहली चीज है एरोबिक एक्टिविटीज, जैसे वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, कुछ भी आप कर सकते हैं। ये एक्टिविटीज आपके हार्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, ये अलाउ करते हैं कि आपका जो हार्ट है वो ब्लड को सही तरीके से पंप कर सके। और इनसे जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमारी हार्ट रेट इंक्रीज होता है। जब एक्टिविटी में हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो आप जब रेस्ट कर रहे होंगे तो वो डिक्रीज होगा,
यानी कि रेस्टिंग हार्ट रेट अपने जोन में, सही जोन में आ जाएगा अगर आपने कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी किया तो। और अगर हमने कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, लथार्जी में बैठे रहे, बिल्कुल सारा दिन कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब रेस्टिंग हार्ट रेट बढ़ने वाली है और एज के साथ ये ज्यादा बढ़ने वाली है, जो दिल पर नहीं सीधा जिंदगी पर इम्पैक्ट डालती है। थोड़ा सा कोई भी एरोबिक एक्टिविटी, दौड़ना, भागना, वॉकिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि एक अमेजिंग एक्सरसाइज है जिसके बहुत से बेनिफिट जो हैं वो लाखों लोगों ने लिए हैं। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट, आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट को बढ़ा सकता है अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, यानी कुछ एक्सरसाइज जिसमें आपकी बॉडी कुछ वेट उठाए, कुछ यू नो स्ट्रेंथ उसकी यूज हो। जिम करना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप जिम नहीं करना चाहते तो इसका सबसे आसान तरीका है 2-3 एक्सरसाइजेज अगर आप अपनी रूटीन में ऐड कर लें, जैसे कि स्क्वाटिंग, जिसको हम बचपन में उठक बैठक बोलते थे, हमारे टीचर्स लगवाते थे ना, उसके साथ आप पुशअप्स कर सकते हैं, पुलअप्स कर सकते हैं। पुशअप्स जो अगर करने में दिक्कत होती है तो वॉल पुशअप्स कर सकते हैं, दीवार के साथ पुशअप्स कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये कोई एक्सरसाइज के लिए मैं नहीं बनाऊं या नहीं होती, वैसे तो धीरे धीरे शुरू करोगे तो होने लगेगी, लेकिन सबसे ईजी होल बॉडी वर्कआउट है सूर्य नमस्कार करना। आपके बॉडी का हर एक यू नो सेल तक उसका इंपैक्ट जाता है, फिट भी होगे, उम्र भी बढ़ेगी, दिल भी स्वस्थ रहेगा और जो रेस्टिंग हार्ट रेट है वो भी रेंज में रहेगी। डीप ब्रीदिंग आपके रेस्टिंग हार्ट रेट को बड़ा जोन में रखता है जी, इसलिए मैंने डीप ब्रीदिंग जब आपको बताया तो इसके इतने अमेजिंग बेनिफिट्स हैं, सिर्फ एक जगह पर नहीं, उम्र बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि आपके माइंड की क्लैरिटी, ओवरऑल स्टेबिलिटी, कई चीजें इंप्रूव होती हैं डीप डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग से। कुछ एक दो चीजें हैं जो आपके हार्ट रेट, जो रेस्टिंग हार्ट रेट है उसको बढ़ा देती है, जिसमें सबसे पहला है टबैको का यूज करना, किसी भी फॉर्म में कर रहे हो उसको छोड़ दें। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो आप देखेंगे अल्कोहल लेने से भी आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट बढ़ जाती है, और कई बार तो कई लोगों में जिनको अल्कोहल बॉडी को सूट ही नहीं करती उनके साथ तो ये ज्यादा दिक्कत कर सकती है, इसलिए इन दोनों चीजों का त्याग कर देना है। एक चीज और जो हमारे रेस्टिंग हार्ट रेट को हमेशा बढ़ा के रखती है वो है स्ट्रेस। हर एक इंसान तक पहुंच चुका है, छोटी छोटी बात पर स्ट्रेस है। इस स्ट्रेस को रिड्यूस कीजिए अगर आप अपनी रेस्टिंग हार्ट रेट को नॉर्मल लेकर के आना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे इवेंट्स और वर्कशॉप्स में आप आकर के अपने बिल्कुल मेंटल ट्रॉमास को, स्ट्रेस को, हर चीज को खत्म कर दें, तो उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में और हमारी वेबसाइट पर, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इनको जरूर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट, अगर बीमारियां खत्म करनी है, लंबा जीना है, स्वस्थ रहना है, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन जो बॉडी में हो रहा है उसको खत्म करना पड़ेगा, लॉन्जेविटी बढ़ जाएगी। और अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मेरे चैनल पर एक रेगुलर व्यूअर हैं, तो मेरे रीसेंट कुछ वीडियोस में मैंने इसको बहुत डीपली इलैबोरेट किया है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैसे हमको नुकसान पहुंचा रहा है, कैसे हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज कर रहा है। और अगर हम चाहते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है इसको खत्म किया जा सके, तो उसके लिए फास्टिंग एक बहुत बढ़िया सोर्स है। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कीजिए, नहीं तो सप्ताह में 1 या 2 बार पूरे दिन का व्रत रखिए। नहीं रख सकते पानी पर रखिए, नहीं रख सकते जूस पर रखिए, नहीं रख सकते फ्रूट्स पर रखिए, वो भी नहीं कर सकते तो खिचड़ी या दलिया पर रखिए, हल्का खाइए, जिससे कि कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट दे सके। साथ ही आप चाहें तो एंटीऑक्सीडेंट्स इंटेक भी कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत सी चीज़ों से मिल जाते हैं। बेरीज, आंवला, मैंने बताया था, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, बहुत अच्छा सोर्स होता है एंटीऑक्सीडेंट्स का। विटामिन सी, जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं, संतरा हो गया, मौसमी हो गई, कीनू हो गया, जितने भी ये फ्रूट्स हैं, इन सब में, नींबू हो गया, इन सब में आपको एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट मिलेंगे। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट मिलेंगे। अर्थिंग से, जमीन के कॉन्टैक्ट में आने से, मिट्टी, घास, रेत, यू नो समंदर, पहाड़, नंगे पांव, इनके कॉन्टैक्ट में आने से आपको एंटीऑक्सीडेंट्स इफेक्ट मिलेंगे। वॉकिंग आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट देता है। तो जितने एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट मिलेंगे उतना ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, वो कम होगा, क्योंकि यही कहीं ना कहीं हमारी सेल डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो वियर एंड टियर कर रहे हैं हमारी बॉडी में, और यही इन्फ्लेमेशन बहुत बार कारण बनती है ऑटो इम्यून डिजीजेस का। हमारी इम्यूनिटी को कंफ्यूज कर रहे हैं डेड सेल्स, उनको हील करने के लिए फास्टिंग बहुत अच्छा सोर्स है। एंटीऑक्सीडेंट्स लीजिए, वॉकिंग कीजिए, इससे एज रिलेटेड डिजीजेस तो कम होंगी ही, चेहरे पर चमक आएगी, रौनक बढ़ेगी और साथ ही उम्र भी बढ़ेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और मैंने जैसे बोला था कि ये सबसे ज्यादा इग्नोर्ड चीज है, कोई इसको फॉलो नहीं, कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, क्या खाना है, क्या पीना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, कैसे जो है बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करना है, सबकी बात हो रही है, लेकिन जो मेंटल टॉक्सिन्स हैं, जो माइंड के अंदर गार्बेज पड़ा है, उसको हम रिमूव नहीं कर रहे। और आज मेडिकल साइंस भी ये मानती है कि कहीं ना कहीं जो डिजीजेस, क्रॉनिक डिजीजेस हमको हो रही हैं, उसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर ये मेंटल गार्बेज है, जो कि हमें साइकोसोमैटिक डिजीजेस के रूप में सामने आता है। हमारा स्ट्रेस, अनवर्थीनेस की फीलिंग, पास्ट के बहुत सारे ट्रॉमास, बहुत सारे ऐसे इमोशंस जो हमारी सेल्फ वर्थ को, सेल्फ एस्टीम को लो करते हैं, बहुत सी ऐसी पेनफुल मेमोरीज, चाइल्डहुड की, पार्टनरशिप की, रिलेशनशिप्स की, हस्बैंड वाइफ की, कई मेमोरीज
जो विध्वंस मचा रही होती है हमारे दिमाग में। आज एक नई साइंस आई जिसको बोलते हैं एपिजेनेटिक्स, जिसको बहुत ही ब्यूटीफुली डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने अपनी बहुत सारी बुक्स में समझाया है। और एक नहीं कितनी ऐसी बुक्स हैं, द प्लेसिबो, शानदार बुक, कि कहीं ना कहीं ये जो एपिजेनेटिक्स है, इस साइंस में बताया गया कि हम अपने जीन्स को भी लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं, हम अपने डीएनए को लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोसेस चल रहा है, लाइसोसोम है, जो हमारा डीएनए, जो प्रोटीन बनाया जा रहा है सेल के अंदर, वो सब इंपैक्ट होते हैं उस चीज से जो हमारे माइंड में पड़ी है। क्या विचार है माइंड में, क्या थॉट्स हैं, कहीं स्ट्रेस, पेनफुल मेमोरीज या ये सब कुछ तो नहीं पड़ा हुआ? अगर पड़ा है तो न सिर्फ ये उम्र कम करेगा बल्कि बहुत सी ऐसी डिजीजेस जिसके कारण लोगों को नहीं मिल रही है, क्यों हो गई बीमारी, क्यों परेशानी हो गई, क्यों स्किन डाउन हो रही है, क्यों जो है बॉडी में दर्दें हो रही हैं, क्यों ऑटो इम्यून डिजीजेज हो रही हैं, कभी गलत खाया पिया नहीं, सब बढ़िया रहा, क्यों लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज हो रही है, हार्ट ब्लॉकेजेस हो रहे हैं। यहां कचरा पड़ा है, बॉडी का कचरा सब निकाल रहे हैं, माइंड का नहीं निकाल रहे। तो अगर हम थोड़ा सा रिलैक्स हों, ये जितनी चीजें बताई आपके माइंड का कचरा निकालती हैं, आप अगर थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, तो आपका मैस्कुलोस्केलेटन सिस्टम एक्टिवेट होगा। अगर आप थोड़ा सा अपने साथ समय टाइम स्पेंड करेंगे, यानी अपने पर्पस पे, अपने पैशन पे, अपनी हॉबी पे, अपने इंटरेस्ट पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर जो मेंटल गार्बेज पड़ा है वो थोड़ा सा कम होगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आप इन पेनफुल मेमोरीज को, इन सब गार्बेजेस को आपके सबकॉन्शियस माइंड से ही रिमूव कर दें, तो समझो न तो सिर्फ जिंदगी बेटर होगी बल्कि कई और लाइफ्स को भी आप बेटर कर दोगे। उसके लिए हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, अवेकन योर हीलिंग इंटेलिजेंस और लॉन्जेविटी प्रोग्राम, जो 6 मंथ प्रोग्राम होते हैं, दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर चेक कीजिएगा। और अगर नहीं तो भी कोई बात नहीं, मुझे कमेंट करके बता देना कि आप जिंदगी में हल्का फुल्का सा भी अगर स्ट्रेस फेस कर रहे हो, सिर्फ आपने कमेंट करना है, मैं बहुत अमेजिंग वीडियोज आपके लिए लेकर के आऊंगा जो आपके स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस करेंगे। और हमारे साथ जुड़े रहिए इस चैनल पर, वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि ये न सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ को बल्कि आपकी मेंटल और आपकी स्पिरिचुअल वेलबींग को भी मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं, बेटर करते हैं। इसलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लेना, ताकि ऐसे वीडियोस आपसे मिस ना हो जो आपकी लॉन्जेविटी को, आपकी उम्र को बढ़ा सकते हो, आपको सेहतमंद कर सकते हो, डिजीजेस को खत्म कर सकते हो, आपके एनर्जी लेवल्स को बढ़ा सकते हो, और आपकी जिंदगी में आपको एक बेटर ह्यूमन बींग, एक सक्सेसफुल ह्यूमन बींग की तरफ आगे लेकर के जा सकें और इनर ग्रोथ को भी करें। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और अगर अभी तक आपने मेरे को सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो नहीं किया, क्या करते हो यार, कर लो। इंस्टाग्राम पर अगर आप अनुराग ऋषि लिखेंगे मैं वहां मिल जाऊंगा, फेसबुक पर अनुराग ऋषि लिखेंगे मैं मिल जाऊंगा, अगर आप व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कॉमेंट में मिल जाएगा, जरूर जुड़िए, खुश रहिए। और ये सब चीजें जो बताई, इसको एक बार समराइज कर देना चाहूंगा आपके लिए, कि सबसे पहली चीज है कि आप जो है कैलोरी रिस्ट्रिक्शंस कीजिए, थोड़ा कम खाइए लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी लीजिए। दूसरा, डीप ब्रीदिंग यानी डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग जरूर कीजिए। तीसरा, आइडेंटिफाई कीजिए पर्पस ऑफ लाइफ को, कोई पैशन, कोई हॉबी, कोई इंटरेस्ट, कोई अच्छी चीज जो आपको हाई एलिवेटेड हैप्पीनेस के मूवमेंट में, हैप्पीनेस की स्टेट में रखती हो, जो ब्यूटिफुल केमिकल्स बॉडी में रिलीज करे और आपके सेल्स को, आपकी पूरी बॉडी को एक हेल्दी हीलिंग की स्टेट में लेकर के जाए। साथ ही नींद बढ़िया लीजिए, अपने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स लीजिए, जो कि बहुत सारे सोर्सेस से मिल सकते हैं, और अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम कीजिए, जो खुद कम होंगे लेकिन उम्र को बढ़ा देंगे, इस बात का दावा करता हूं। जुड़े रहिए मेरे साथ इसी तरह से, आप सबका इतना सब प्यार जो इन वीडियोस पर मिलता है उसके लिए बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।